Okay, so we're discussing the contents of. Hello? Voice. There's some error out here. Audible. स्क्रीन विजिबल है, प्लीज मुझे बता दीजिए. यस मैम, विजिबल है ना? okay. अभी नहीं है मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है. okay, let me try once again. होपफुली नाउ एवरीथिंग इज फाइन. स्क्रीन भी विजिबल है, वॉइस भी आ रही होगी. ऑलरेडी डिले हो चुका है, प्लीज कंफर्म कर दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट. यस मैम, वॉइस इज विजिबल, वॉइस इज ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल. ओके ओके ओके, थैंक यू. ओके, सो जनवरी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहली बात यह है कि जितना भी ये पूरा आपको आर्टिकल मिला हुआ है, जो ये मटेरियल मिला हुआ है, सबसे पहले तो ये दृष्टि आईएएस का मटेरियल है, इंग्लिश में अवेलेबल है. और जिन लोगों का मीडियम हिंदी है, दे कैन कंसल्ट द हिंदी मीडियम वाला जो इसमें मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी है. ओके, सो सबसे पहली बात आ जाती है कि क्या ये सारी इंपॉर्टेंट है न्यूज, तो उसमें से पिक एंड चूज करने की जरूरत है. बिकॉज इसमें ऐसा है कि कई सारी चीजें तो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें यहाँ पर फोकस रखना है अपना इंटरव्यू पे. तो इस वजह से यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हम स्किप कर सकते हैं. वॉइस का इशू आ रहा है, डिस्टॉर्टेड वॉइस आ रही है. अब वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर है. ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग दैट उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. तो ऐसा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये सभी स्टेट्स को बोला है कि आप लोग जो है आपके स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो मतलब यूजुअली जो ऐसे बच्चे रहते हैं जो या तो रैग पिगिंग यानी वेस्ट वगैरह कलेक्ट करने में और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके उत्थान के लिए, उनके उनकी भलाई के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आइए. ओके, तो इसी के मद्देनजर हम लोगों ने जो है हमारे जो सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी हरिचंद्र सिंहवाल, उन्होंने ये बोला कि हम लोग एक पॉलिसी लेके आने वाले हैं. और अभी फिलहाल क्या किया इन्होंने कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो लेबर हो, पुलिस हो, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा, तो इन सबके अभी ओपिनियंस मांगे हैं. ठीक है, और एक चीज हमें इसमें ध्यान रखने की है कि जो ये प्रॉब्लम है, जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन वाली जो प्रॉब्लम है, यूजुअली जो हिली एरियाज है वहां पर उतनी नहीं है जितनी कि अर्बन एरियाज में पाई जाती है, जैसे कि देहरादून हो गया आपका, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, नैनीताल, कोटद्वार. ओके, तो यहां पर क्या कोशिश करी जाएगी कि जितनी भी हमारे एनजीओज हैं और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक तरीके से उनके व्यूज लिए जा रहे हैं कि हम इस तरीके की पॉलिसी में क्या क्या फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ओके, सो ये एक ध्यान में रखने की चीज है. अगर बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये चीज हम लोग एक ध्यान में रख सकते हैं. बाकी इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं. ओके, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं. तो टू ब्रिजेस ऑफ उत्तराखंड कनेक्टिंग चाइना बॉर्डर डेडिकेटेड टू द नेशन. तो ऐसा था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट करे दो ब्रिजेस. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि किसने ये ब्रिजेस बनाए हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें तो बॉर्डर एरिया है, तो ऑब्वियसली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इनका डेवलपमेंट किया है या कंस्ट्रक्शन किया है. और ये दो ब्रिजेस जो हैं, ये प्रोजेक्ट हिराक के अंदर इसका जो हमारे ये ब्रिजेस
कंस्ट्रक्ट हुए हैं, दिस इज अंडर प्रोजेक्ट हिराक. अब ये क्या हो रहा है कि हम लोगों को ऑब्वियसली चाइना से ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली हमें ध्यान रखने की जरूरत है बिकॉज वी फेस अ लॉट ऑफ कंसर्न फ्रॉम दैट एरिया. तो इस वजह से कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एरियाज विच आर क्लोज टू द बॉर्डर. तो ये जो दो ब्रिजेस बने हैं, एक तो आपका टनकपुर तवाघाट लिपुलेख रोड पे बना है जो कि धौली गंगा और कॉन्फ्लुएंस है धौली गंगा और काली रिवर का, ये लगभग 80 मीटर्स का है. और दूसरा ब्रिज जो है वो गुमरोडी किमखोला नियर जौल जीबी नेशनल हाईवे बना है, इसकी लेंथ है 35 मीटर्स. लेंथ याद नहीं भी रहेगी तो ये ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट हिराक किस चीज से एसोसिएटेड है. प्रोजेक्ट हिराक जो है वो एसोसिएटेड है आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना. नेक्स्ट हमारा आता है कि चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली रिलीज करी है फोकस रिपोर्ट ऑफ नाबार्ड. तो नाबार्ड का क्या है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है. अब इसमें जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे अभी डेट स्टार्व डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि कहां पर उतना ज्यादा हम लोगों का डेट जो है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन उस हद तक नहीं पहुंच पाया है. तो ऐसी जगहों पर स्पेशल अटेंशन देने की आवश्यकता है. तो ये कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टेहरी. ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि यहां पर इनकरेज किया जाएगा ताकि जो नाबार्ड है या जो और भी तरीके से यहाँ के लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि उनको इजिली लोन्स मिल जाए ताकि उनको फाइनेंशियली हम इंक्लूड कर पाए, उनको फाइनेंशियली हम लोग प्रोवाइड कर पाए फैसिलिटीज ताकि वो अपना आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उसका यूटिलाइजेशन कर पाए. ओके, नेक्स्ट है कि फर्स्ट टनल पार्किंग स्टार्ट हो रही है. ये कहाँ है? केम्प्टी मसूरी में हो रही है. तो इसमें भी हम लोगों की जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जा चुकी है. ऐसी तरीके से बता रखे कि हर डिस्ट्रिक्ट में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में डिफरेंट डिफरेंट हमारी अभी पार्किंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की और हमारी गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है. ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्टेट के लिए और पार्किंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ट्रैफिक का बहुत ज्यादा इश्यू होता है. अब जैसे कि जानते ही होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि इवन लोकल लाइट्स को भी इश्यूज हो जाते हैं. तो इस वजह से वहां पर प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, तो उसी में ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का. नेक्स्ट है कि एन इंक्रीज ऑफ 1000 रुपीज इन द इंसेंटिव अमाउंट ऑफ मंगल पार्टीज इन द यूथ फेस्टिवल. अब देखो यूथ फेस्टिवल होता है 12 जनवरी को सेलिब्रेट. ओके, तो यहां जो होती है हमारी जो मंगल पार्टीज हैं, इन लोगों को पहले जो है स्टाइपेंड मिलता था अराउंड 4000, तो उसको बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है. अच्छा, ये मंगल दल जो है या मंगल पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में. कैसे? ये क्या करती हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको डोर टू डोर यानी घर घर जाकर के वो इंस्पायर करते हैं लोगों को कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है आप उसका एडवांटेज लीजिए. इसके अलावा उनको और भी इंकरेज किया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एडुकेशन की तरफ भी उनका ध्यान जा सके. ओके, तो इस वजह से क्या करें कि एक्सीलेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को अलाइव रखने में भी और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो भी हमारी स्कीम्स हैं और फैसिलिटीज हैं उनको लोगों तक पहुंचाने या उनको अवगत कराने में. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा बॉर्डर टूरिज्म विल पॉपुलेट बॉर्डर विलेजेस ऑफ उत्तराखंड. तो बॉर्डर टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूछा भी जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि बॉर्डर टूरिज्म के बारे में आप कुछ बताइए कि बॉर्डर टूरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है या क्यों इंपॉर्टेंट है. तो देखो ऐसा है कि 4 ब्लॉक्स हैं उत्तराखंड के जो कि भाटवाड़ी है उत्तरकाशी में, जोशीमठ है चमोली में, मुंसियारी और धारचूला इन पिथौरागढ़. ये 4 जगह है, यहाँ पर इनको डिमार्केट किया गया है या सिलेक्ट किया गया है बॉर्डर टूरिज्म के लिए. ओके, तो ऐसा होता है कि कुछ वॉइस नहीं आ रही है. Voice is okay, ma'am. Okay. आप लोगों को वॉइस आ रही है मुझे बता देना, ठीक है? अगर बीच में वॉइस का कुछ इश्यू होगा तो आ रही है ना? आ रही है अभी. ओके ओके ठीक है. तो ये जो 4 वॉइस नहीं आ पा रही. अब आ रही है वॉइस? हाँ मैम अभी आ रही है. ओके ओके, सो जो ये 4 एरिया सिलेक्ट हुए हैं, तो आई वॉज टेलिंग यू कि इनर लाइन परमिट क्यों रिक्वायर्ड होता है. तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो यूजुअली इनर लाइन परमिट जो है देते हैं या ग्रांट करते हैं क्योंकि हम हर किसी को ऐसे सेंसिटिव एरियाज में जाना अलाउ नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज वो हमारे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एरियाज जो है बहुत ज्यादा वी कैन से दैट दे आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा यहाँ सेंसिटिव एरियाज रहते हैं. तो इस वजह से हर किसी को अलाउ नहीं कर सकते जाना. लेकिन हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ऐसे एरियाज में हमारे इंडियन पॉपुलेशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी यही कंसर्न है और इंडो चाइना बॉर्डर पे भी यही कंसर्न है कि चाइना ने तो क्या किया है कि अपनी तरफ जो बॉर्डर एरिया है वहां पर लोगों को धीरे धीरे वहां पर एस्टैब्लिश कर दिया है या वहां लोग रहने लग गए, उनके सिटीजन रहने लग गए.
इससे क्या अर्थ है, इससे सबसे पहले तो क्या है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच रहा है लोगों के पास, लोग तो तभी रहने जाएंगे ना जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, जैसे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरीके की। अगर वहां पर कल कुछ भी ऐसा कंसर्न होता है या कुछ भी अगर ऐसा ऐसा माहौल बनता है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गई, तो चाइना की तरफ से तो ऑलरेडी इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वहां पर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, वहां पर इतना बढ़िया रोड्स हैं, तो वहां पर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि उनको अगर रिक्वायरमेंट है वहां पर, जो उनके जो सोल्जर्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है किसी भी बेसिक चीजों की, फॉर एग्जाम्पल फूड की, या फिर अगर एम्यूनेशन पहुंचाना है, तो वहां तो परफेक्ट एरिया है। लेकिन हमारे उत्तराखंड की तरफ से अगर हम देखें तो चाइना का जो हमारे साथ बॉर्डर है वो तीन सेक्टर्स में डिवाइडेड है, एक है वेस्टर्न सेक्टर, एक है आपका मिडिल सेक्टर और एक है आपका ईस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर में आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का बहुत ज्यादा फ्रेजाइल एरिया है ऑलरेडी। उसके अलावा अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वहां पर भी हम लोगों का जो है लद्दाख वाला एरिया है, जो अक्साई चीन वाला एरिया है, वहां पर भी हम लोगों का एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है। अब बचती है बात सेंट्रल सेक्टर की, तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। बिकॉज ऑलरेडी जब 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, तो कई सारे जो विलेजेस थे वहां पर, जो बॉर्डर एरियाज में थे, वहां से लोगों ने एक तरीके से पलायन कर लिया था या माइग्रेशन कर लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी ऐसे सेंसिटिव एरिया में रहना नहीं चाहेगा। लेकिन अभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल बन चुका है कि हम लोगों को वहां पर लोगों को बसाना है। तो अगर डायरेक्टली लोगों को बसा पाना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी टोपोग्राफी हमारी बहुत ज्यादा फ्रजाइल है, वहां पर अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश भी करते हैं तो कई सारे हम लोगों को कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड का इश्यू रहता ही है, और साथ ही साथ लोग भी वहां उतना ज्यादा रहना नहीं चाहते बिकॉज इतनी ज्यादा वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है लोगों के पास, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। तो इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से बॉर्डर टूरिज्म को इसका सोल्यूशन निकाला है, जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भले ही आप परमानेंट सेटलमेंट नहीं रख सकते ऐसे एरियाज में, लेकिन यहाँ पर आप टूरिज्म को इनकरेज करिए। उससे क्या होगा कि लोगों का धीरे धीरे रुझान बढ़ेगा, वहां पर लोगों के लिए एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, साथ ही साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज कोई ना कोई वहां पर डेफिनेटली मौजूद होगा। अब ऑब्वियसली लोग जाएंगे तो वहां पर हमारी पुलिस फोर्स का तैनात होना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, धीरे धीरे वहां पर डेवलपमेंट शुरू होगा, और इसी तरीके से मे बी इन द ईयर्स टू कम वापस वहां पर जो माइग्रेशन हुआ है, आउट माइग्रेशन हुआ है, वापस में भी लोग वहां पर बसना शुरू कर दें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली। ओके, तो एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चाइना का जो उत्तराखंड में लोकेटेड है बॉर्डर, वो कितना है, तो वो है 345 किलोमीटर। ओके, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ मैम, क्लियर है वॉइस। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चंपावत का बनबसा जो है पुलिस स्टेशन इज अमंग द टॉप 3 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। तो ऐसा है कि चंपावत 2022 में जब एनालिसिस हुआ था तो उसमें चंपावत जो पुलिस स्टेशन था उसकी रैंक थी 7th, और इस बार वो टॉप 3 में आ चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर टॉप 3 में आना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये क्यों आया है, इसके पीछे के क्या कारण है? सबसे पहली बात, बहुत अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है बनबसा पुलिस स्टेशन ने, स्पीडी डिस्पोजल हुआ है केसेस का, और कंप्यूटराइजेशन और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए बनबसा पुलिस स्टेशन टॉप 3 में आया है। इसके साथ ही साथ जो बनबसा शारदा बैरेज है, ये 3 decades पहले बना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो बनबसा बॉर्डर में यहाँ पर ये जो पुलिस स्टेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है फेमस लिटरेचर ऑफ बेसिकली लॉरेट है डॉक्टर अरुण कोकसाल, इनको प्रेस्टिजियस राहुल संकृतियन टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा दिया जाता है, और इनकी जो बुक थी जिसके लिए इनको मिला है, तो वो चले सात पहाड़। अच्छा, ये पौड़ी गढ़वाल है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया है एक पॉइंट, क्योंकि अगर किसी ने अपना रीडिंग बुक्स को अगर अपनी हॉबी बनाई है, या फिर अगर किसी का बैकग्राउंड है कि उन्होंने इंग्लिश से अपना बीए किया है या एमए किया है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक मुझे पता है एक एस्पिरेंट है, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ये हमारे पौड़ी गढ़वाल से हैं और उनको बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, तो इस वजह से ये एक चीज ध्यान में रखने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड टू मॉरल एजुकेशन विल बी इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सिटी करिकुलम अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें यह है कि ठीक है, आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम लोग मॉरलिटी का भी एक तरीके से इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं। बाकी हाँ, इसमें यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि उनकी हेल्थ अपडेट की जाए, और साथ ही साथ उनको इनकरेज किया जाएगा कि अगर वो वॉलंटरली अपना ब्लड डोनेट करना चाहें तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से वी कैन से दैट सिटीजन्स को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए अवेयर कराना, उसमें एडुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसमें भी एक ये जो हमारा स्टेप है कारगर सिद्ध हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमेन गेट लीगल राइट टू हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन उत्तराखंड गवर्नर। तो मुझे
आवाज आ रही है ना, बिकॉज एको हो गया आई थिंक. वॉइस आ रही है, प्लीज एक बार बता दीजिए. अभी ठीक है. ओके ओके मैम, एवरीवन शुड म्यूट देयर माइक्स, देन ओनली द वॉइस विल कम क्लियरली. कमलेश जी प्लीज पुट ऑफ योर माइक. ओके सो आगे कंटिन्यू करते हैं. तो ऐसा है कि रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, वो मुझे लगता नहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ठीक है 30% रिजर्वेशन अलाउ हो चुका है, तो उसमें उतना ज्यादा निटी ग्रिटीज में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि हेली सर्विसेज विल स्टार्ट एट 3 more places इन उत्तराखंड. तो जो 3 more places हैं, ये है बेसिकली कि आपका कनेक्टिविटी हो रही है इसमें देहरादून को चिन्यालीसौड़, देहरादून को गौचर के साथ, देहरादून को टहरी के साथ, देहरादून श्रीनगर, देहरादून टू अल्मोड़ा एंड हल्द्वानी टू पिथौरागढ़. ये ऑलरेडी ऑपरेशन में है. इसके अलावा 3 और जगह, जैसे कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किसको, देहरादून और नैनीताल को कनेक्ट करने की बात चल रही है, देहरादून को जोशीमठ के साथ कनेक्ट करने की, और साथ ही साथ हल्द्वानी को मुंशारी से कनेक्ट करने की बात चल रही है. ओके तो ये उड़ान स्कीम है, यानी उड़े देश का आम नागरिक. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ऑलरेडी ये ऑलरेडी हमारे जो ऑपरेशनल है, तो इनका अभी क्या प्रेजेंट स्टेट है, क्या ये जो उड़ान स्कीम है हैज इट बीन सक्सेसफुल, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है आप कनेक्टिविटी तो दे रहे हो, आप न्यू इसमें रूट्स स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बट एक्चुअल में कितना वहां पर लोग इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, या क्या वो इकोनॉमिकली फीजिबल है हमारे लिए, क्या वो फीजिबल है इस तरीके से कि लोग जेन्युइनली उसमें ट्रैवल कर पा रहे हैं. तो इस पे थोड़ा सोचने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, तो क्या आप इसको किस तरीके से आप इसको वहां पर कह पाएंगे कि ठीक है गवर्नमेंट की जो ये उड़ान स्कीम है, दिस हैज बीन गुड, दिस हैज बीन बेनिफिशियल, तो उसको आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, उस पर थोड़ा आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है. ओके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि रूरल उत्तराखंड एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 गुल्लक. ठीक है, तो ये जो है देहरादून में हुआ था कंडक्ट. अच्छा, इसका क्या बेसिक इसमें क्या था कि एक तरीके से एक्सेलरेट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप रूरल एरियाज में. तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कि रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स लास्ट ईयर तो एक थवाल बागे अल्मोड़ा में और कोटद्वार में ये स्टार्ट कर दिया था. तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली जो आपका जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक तरीके से एक फील्ड मिल रहा है जहां पर वो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपना आइडिया वहां पे पिच इन कर सकते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वहां पर आकर के उनको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं. उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और लोगों के जो नए नए आइडियाज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इंकरेज किया जाएगा इसके थ्रू. ओके तो ये गुल्लक जो था बेसिकली अभी ये जो है देहरादून में इसका समिट हुआ हमारा गुल्लक समिट, ये है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड. तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर रही है हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को या एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करने के लिए. ओके नेक्स्ट है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम. क्यू मतलब जो बहुत सारी लंबी कतारें हमारी लग जाती हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, यहाँ कई सारे ऐसे हमारे जैसे चारधाम है या और भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रेवरेंस के टेम्पल्स और ऐसे एरियाज हैं जहां पर कई बार ऐसा होता है कि भीड़ हो जाती है. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम लोगों को उस टाइम पे मैनेज कर पाना मुश्किल होता है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक टोकन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है. ऑल्दो दिस इज वेरी बेसिक, तो टोकन सिस्टम मतलब दर्शन आपके टोकन के थ्रू होंगे. आप लोगों को एक टाइम दिया जाएगा स्लॉट, ताकि आप लोगों की वहां पर भीड़ ना लगे. अगर आपका 1 PM का स्लॉट है तो 1 PM पे ही आपको अलाउ किया जाएगा दर्शन करने के लिए. तो ये एक तो है, इसको हम कॉन्सेप्ट को और भी जगह यूज कर सकते हैं कि ठीक है टोकन सिस्टम और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन से हम लोग जो यहाँ पर इतनी ज्यादा अत्यधिक भीड़ हो जाती है जिसको कई बार कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये एक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, इसको और भी जगह हम लागू कर सकते हैं. तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इसको और भी जगह आप लोग यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल हिल टाउन्स ऑफ उत्तराखंड विल बी सर्वेड. अच्छा, इसमें क्या है कि अभी जो जोशीमठ में हुआ था लैंड सबसिस्टेंस, उसके बाद हम लोगों को वही है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद चेत जाना चाहिए, नहीं तो और भी जगह सेम इश्यूज हो जाएंगे. तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे हिल टाउन्स है, मेजर हिल टाउन्स जैसे मसूरी, नैनीताल, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, उत्तरकाशी, उखीमठ, न्यू टहरी, गुप्तकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत, तो इन पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है. इस वजह से जो फर्स्ट फेज होगा उसमें गवर्नमेंट जो है इन जगहों का सर्वे कंडक्ट करेगी. और अगर सर्वे में ऐसा पाया जाता है कि यहां पर लोड ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है,
तो वहां पर कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए बाद में जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन को बैन भी किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल इसको एक तरीके से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले ही हम लोगों को प्रोएक्टिवली देखना चाहिए, तभी तो हम इट इज बेटर टू हैव प्रिकॉशंस रादर देन फाइंडिंग द क्योर लेटर ऑन, जैसे जोशीमठ में हुआ। इस तरीके से प्रिकॉशन रखते हुए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं पर अगर जेन्युइनली कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर ज्यादा लोड हो रहा है तो उस पर पहले से ध्यान रख लो, पहले से वहां पर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल को बैन कर दिया जाए ताकि कैरिंग कैपेसिटी या हमारे जो नेचर है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हार्म द लाइव्स ऑफ पीपल ओनली। ठीक है, सो उसके अलावा क्या है कि इंडिया सीरीज नंबर्स विल स्टार्ट सून इन उत्तराखंड, तो ये कुछ खास मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं। नेक्स्ट ये है कि दो स्टार्टअप्स हैं उत्तराखंड के जिसको नेशनल अवार्ड मिला। ये स्टार्टअप्स कौन कौन से? एक तो है आप लोगों का दिगांतर एरोस्पेस और एक है इंडिजिनस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी। तो जो दिगांतर एरोस्पेस है ये राहुल रावत और अनिरुद्ध शर्मा द्वारा ये स्टार्ट किया गया था स्टार्टअप। और इसमें क्या है कि आप लोग जो है स्पेस के वेदर चेंजेस को एनालाइज करने के लिए इन्होंने इसरो के साथ मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च करी है। तो ये क्या है, रेडिएशन का यूज करते हुए वहां पर एनालाइज करता है कि क्या क्या टेम्परेचर या क्या क्या वेदर चेंजेस क्या हो रहे हैं हमारे उस एरिया में। उसके अलावा क्या है कि जो दूसरा हमारा इंडिजिनस एनर्जी स्टार्टअप है ये इलेक्ट्रिक बैटरी स्केल है, तो इन दोनों का अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फोर प्लेसेस। अब देखो जोशीमठ की अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो जोशीमठ में जिन लोगों के साथ जिन लोगों एक तरीके से जो बेघर हो गए हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट या एक ऐसी जगह उनको स्थापित करने की कोशिश करी है या विस्थापना करने की कोशिश करी जा रही है जो कि जोशीमठ के आसपास हो। तो कौन कौन से एरियाज हैं? तो चार एरियाज ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं। एक है आपका कोटी फार्म, एक है आपका ढाक विलेज, एक है आपका HDRI का एक एरिया है। बेसिकली HDRI का मतलब है यहाँ पर आपका जो आपका हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और एक है पीपलकोटी। तो ये आसपास ही है जोशीमठ से, कुछ 30 किलोमीटर है, कुछ 9 किलोमीटर है। तो यहाँ पर CBRI रुड़की जो है वो मॉडल बिल्डिंग बनाएगा। ये जो बिल्डिंग्स होंगी ये इनका जो रेट है वो फिक्स्ड है 400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और 25 से 30 इयर्स मिनिमम इनकी लाइफ चलेगी। तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK वगैरह यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है जिनका जोशीमठ में घर थे, जिन लोगों का इतना ज्यादा ट्रेजेडी हुई जिन लोगों के साथ, तो उनको एक दूसरा जगह बसाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है चारधाम यात्रा की रूट पे एस्टेब्लिश करे जाएंगे। तो कई सारे एरियाज दिए हुए हैं इसमें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो है चिन्याली चौड़, धरासू, ब्रह्मखाल, बारकोट, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों में आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के पॉइंट्स होंगे ताकि लोगों को इसमें कोई असुविधा न हो। अगर इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि आने वाले टाइम में यूज होंगे, हमारे व्हीकल्स को हम लोग एक तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं डीजल और पेट्रोल को, तो इवेंचुअली यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन का अभी से डेवलपमेंट होगा। तो भी कुछ साल बाद जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक रियलिटी बन जाएगी, कई सारे लोग यूज करने लग जाएंगे, तो उस टाइम पे बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट है कि 96 पुलिसमैन विल बी ऑनर्ड फॉर देयर एक्सीलेंट सर्विस इन उत्तराखंड। इसमें कई सारे नाम दिए हुए हैं, उन सब नाम को अगर आप एक बार गो थ्रू करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि मेटर्निटी एंड चाइल्ड केयर लीव फॉर वुमेन वर्कर्स ऑफ उत्तराखंड विल बी कैलकुलेटेड इन MACPS। तो पहले क्या होता था कि ये जो है ACP एक तरीके का हमारा स्कीम होती थी जिसमें जो बेनिफिट होते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको इवन प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज अगर ऊपर की जो आपकी जस्ट ऊपर की जो पोस्ट है वो वेकेंट नहीं है, स्टिल आप अपना उसमें क्लेम कर सकते हैं कि ठीक है ऑल्दो आई एम नॉट गेटिंग प्रमोटेड बट आई स्टिल वांट टू हैव द फाइनेंशियल फैसिलिटीज, या एक तरीके से जो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट होता है आपका प्रमोशन उसका क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा है कि हाँ MSC जो ये आपका ACP पहले था तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती थी, तो इस वजह से आप मेटर्निटी लीव जो है उसको अगर हम MACPS में इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो इस तरीके से जो वुमेन वर्कर्स है उनको काफी हेल्प होगी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है हमारी वुमेन बेसिकली। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड ड्रिंकिंग वाटर कॉर्पोरेशन इज प्रिपेयरिंग अ वाटर ग्रिड। तो ये फंडिंग हो रही है ADB, यानी कि ADB के फॉर्म में एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जिस तरीके से पावर ग्रिड होता है कि कहीं पर अगर पावर की शॉर्टेज है तो कहीं और से पावर वहां ट्रांसफर कर जा सके, इसलिए ये मैम वॉइस का इश्यू आ रहा है। अब क्लियर है वॉइस? क्लियर है, वॉइस क्लियर है, क्लियर है ना? ओके ओके, सो वाटर ग्रिड एस्टैब्लिश किया जाएगा ओके, ताकि 24/7 वाटर अवेलेबल हो जाए। देन नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स टू बी स्क्रैप फ्रॉम 1 April। तो ऑब्वियसली जो पुराने व्हीकल्स हो गए उनको स्क्रैप किया जाएगा और नए व्हीकल्स बाय करेगी हमारी गवर्नमेंट। और उसके अलावा ये है कि डोमिनेंस हो गया है वुमेन का उत्तराखंड होम डिपार्टमेंट में। कई सारे ऐसी बता रखी है कि ठीक है जैसे हमारी कई सारे ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं, तो अभी वुमेन जो है वो बहुत हाई पोस्ट पे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं, तो अब वुमेन जो है वो काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है कि चोलिया डांस जो था उत्तराखंड का, वो रिपब्लिक डे की परेड में ऑब्वियसली शामिल हुआ. तो इसमें जो थे हमारी लीडरशिप किसकी थी, तो के एस चौहान की थी लीडरशिप. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जो हमारा टैबलू था जो मानसखंड के नाम से था वो ऑब्वियसली फर्स्ट आया. एंड उसमें क्या क्या डिपिक्ट हुआ था, तो उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क डिपिक्ट हुआ है, उसमें जागेश्वर धाम मंदिर का डिपिक्शन था, दियोदा ट्रीज थे, उसमें ऐपण के बारे में भी था, और उसमें जो हमारा घुड़ल पीकॉक हो गया, बारासिंगा हो गया, डियर, तो इन सब चीजों का वहां पर रिप्रेजेंटेशन था. उसके अलावा वहां पर कई सारे ऐसे 16 लोग थे जिन्होंने वहां पर छोलिया नृत्य भी उसमें परफॉर्म किया, और साथ ही साथ दो ऐसे लोग थे जिन्होंने उसमें योग करते हुए भी दिखाया है. ठीक है, तो ये जो है किसने डेवलप किया था अगर पूछा जाए, तो स्मार्ट ग्राफिक आर्ट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड. ऑल्दो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, बट ठीक है अगर ध्यान रहे तो रख लेना याद इसको. नेक्स्ट है कि गवर्नर्स मेडल टू एसएसपी दून एंड एसटीएफ, ऑब्वियसली दिस इज अ मेडल दैट हैज बीन अवार्डेड, तो इसको भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. सिमिलरली प्रेसिडेंट्स मेडल टू ऑफिसर्स एंड पर्सनल टू होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज इन उत्तराखंड, ये भी कुछ अवार्ड दिए गए हैं. ऑब्वियसली हमारे 26 जनवरी को कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, इंटरव्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि हाँ उत्तराखंड के कई सारे लोग हैं जिनको अवार्ड मिल रहे हैं. नेक्स्ट है कि 4% रिजर्वेशन मिल रहा है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ उत्तराखंड को. तो एक और स्टेट जहां ऑलरेडी ऐसा होता है कि मेडल विनिंग प्लेयर्स जो है उनको ऑटोमेटिकली 5400 ग्रेड पे की जॉब दी जाती है, वो है हरियाणा. ठीक है, तो इस तरीके से उत्तराखंड भी इस विषय में सोच रहा है कि हमारे भी जो विनर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए, उनको प्रोवाइड करे जाए 5400 ग्रेड पे की जॉब्स. तो ये इसमें ध्यान रखने की चीज है कि ठीक है गवर्नमेंट इस तरीके से ये भी इनकरेज कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी एक तरीके से अवार्ड दिया जाएगा, ताकि इस तरीके से क्या होगा कि अभी भी जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं इन सब फील्ड्स में, उनको देख इस सबको देखते हुए वो भी इनकरेज होंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्पीयर्स में उत्तराखंड का नाम रोशन कर पाएंगे. नेक्स्ट है कि मेजर प्रशांत भट्ट ऑफ उत्तराखंड विल बी ऑनर्ड विद सेना मेडल. तो ये जो है कौसानी से हैं बागेश्वर के, और इनको जो है सेना मेडल के लिए सिलेक्ट किया गया है. नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट विल बिल्ड 50,000 पॉली हाउसेज इन नेक्स्ट 2 ईयर्स. तो ये नाबार्ड की हेल्प से बन रहे हैं. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर कवरिंग मटेरियल जो होता है वो कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में यहाँ पर क्रॉप ग्रो करी जाती है. इसका क्या एडवांटेज है कि आपका जो है हाई यील्ड और हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले उसमें क्रॉप्स मिल जाती है विदाउट द यूज ऑफ मच Voice is clear, everyone. Please let me know. Yes, ma'am. Voice is clear. Okay, so उत्तराखंड वाला portion हमारा complete हो गया. अब हम दूसरे topic की ओर चलते हैं जो आज हमें discuss करना है. वो है आपका international relations. तो screen visible एक बार बता दीजिए मुझे please. Yes, ma'am. Screen is visible. Okay, so जो हम लोगों ने decide किया था आज के लिए, तो हम लोगों को vision IAS का material करना है international relations का. उसमें टॉपिक नंबर 1.1 से लेकर के टॉपिक नंबर 1.5 तक हम लोग कवर करेंगे. इसमें ऐसा देखो बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं. जैसे अगर हम बात करें इंडिया चाइना रिलेशंस की, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि चाइना जो है अभी वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. मेजर एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं चाइना को, वो होता है आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और मेजर इंपोर्ट क्या होता है चाइना से, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी न्यूक्लियर प्रोडक्ट. चाइना अभी जो है उसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है. ट्रेड डेफिसिट से क्या मतलब है हमारा, कि हमारा बैलेंस नहीं है. मतलब जितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं सेम अमाउंट हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे. हम लोगों का एक्सपोर्ट काफी कम है और इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है. वॉइस इश्यू आ रहा है.
अब क्लियर है वॉइस? क्लियर है। ओके, तो ट्रेड डेफिसिट के रीजंस क्या है? तो देखो, इंपोर्ट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पता ही है आप लोगों को, मोस्टली हम लोगों के पास जो है मेड इन चाइना फोन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी और भी जो है, जो हमारी दिवाली की लाइट्स होती हैं, वो भी हमारी यहीं से आती है, चाइना से आती है, तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। सेकंड क्या है कि लो वैल्यू एक्सपोर्ट, जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी मॉनिटरी वैल्यू काफी कम होती है, जैसे आयरन ओर है। अब आयरन ओर अगर हम फिनिश प्रोडक्ट्स करते तो उसका कुछ ऑब्वियसली मॉनिटरी वैल्यू ज्यादा होती, बट आयरन ओर जो कि एक रॉ मटेरियल को आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसकी मॉनिटरी वैल्यू कम होगी। और उसके अलावा जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी काफी कम आइटम्स ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। बाकी टैक्सेस की अगर हम बात करें तो चाइना इंपोज करता है टैक्स और नॉन टैक्स बैरियर्स, जिस वजह से एक्सपोर्ट उतना ज्यादा इंडिया से हो नहीं पाता, और डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होती है क्योंकि लो कॉस्ट में चाइना अपना जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडियन मार्केट में डाल देते हैं, जिस वजह से क्या होता है एक तरीके से डंपिंग हो जाती है और एक्सपोर्ट उतना हो नहीं पाता इंडिया से चाइना की ओर। जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑफ चाइना की, तो रेन मिन भी जो कि वहां की करेंसी है उसको उन्होंने रिवैल्यू किया है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स, इस वजह से एक्सपोर्ट जो है और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है इंडिया के लिए। और प्राइस कॉम्पिटेटिवनेस है क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट जो है होते हैं वो ऑब्वियसली चीप होते हैं, तो यह हमारी अवधारणा है या एक तरीके की थिंकिंग है सभी इंडियंस की कि चीप प्रोडक्ट्स को यूजुअली प्रेफर किया जाता है। अब सेम आइटम में अगर आपको कोई चीज 100 की मिल रही है, कोई चीज 10 की मिल रही है, तो ऑब्वियसली 10 वाले आइटम को आप प्रेफर करोगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं इंडिया ने ये ट्रेड डेफिसिट को चेक करने के लिए? सबसे पहले रिड्यूस कर रही है इंपोर्ट्स को, इस तरीके से एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा करके। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत का इस्तेमाल करके ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का एक पार्ट बन चुका है। और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स को बैन कर रहा है चाइनीज प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इन द लॉन्गर रन हार्मफुल होंगे हमारी इकोनॉमी के लिए, तो उनको बैन करने का भी इंडिया का ये एक तरीके से प्रोडक्टिव मेजर है। दूसरा है कि एक्सपोर्ट जो है उनको एनहांस करो, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा जो है आपका मेक इन इंडिया जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था, और साथ ही साथ स्पेसिफिक सेक्टर्स को इनकरेज किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है ताकि हम लोग जो है इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सके। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं इसमें? तो वे फॉरवर्ड ये है कि सेल्फ रिलायंट बनने की आवश्यकता है, मार्केट एक्सेस जो है वो इस तरीके से किया जाए कि ज्यादा इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए, एक्सपोर्ट्स को इनकरेज किया जाए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात है, और कॉम्पिटेटिवनेस भी बढ़ाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि तीन हिस्से हैं बेसिकली, एक वेस्टर्न सेक्टर है, एक सेंट्रल सेक्टर है, एक ईस्टर्न सेक्टर है। तो डिस्प्यूट क्यों हुआ है? क्योंकि कोई भी म्यूचुअली अग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और दूसरा चाइना की क्या एक स्ट्रैटेजी है, वो है कैबेज स्ट्रैटेजी कहा जाता है उसको, या फिर उसका दूसरा टर्म है सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक। उनकी यह स्ट्रैटेजी है कि वो धीरे धीरे अपनी न्यू टेरिटरीज इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं अपने नेबर्स की टेरिटरी को एक्वायर करते हुए, जैसे अभी वो क्लेम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और कुछ दिन पहले मैंने एक चीज और डिस्कस करी थी कि जो हमारे वीजा होते हैं वो एक तरीके से स्टेबल्ड वीजा दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी को। स्टेबल वीजा का क्या अर्थ है कि वो ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो ये जिस एरिया से ये पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है वो उनके अकॉर्डिंग कंटेंशियस है, या फिर चाइना उसको क्लेम करता है और कहता है कि ये जो टेरिटरी है डिस्प्यूटेड है। इस वजह से वहां पर जो हमारे अभी एक गेम्स के लिए वहां से जो गए थे हमारे खिलाड़ी, उन लोगों के जो वीजा थे उसको स्टेपल किया गया। तो स्टेपल वीजा का ये अर्थ है कि ये जो जिस एरिया से ये आ रहे हैं वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसके अलावा चाइना की ये जो रीजंस है अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट के, वो रीजंस कुछ इस तरीके से हैं। जस्ट वेट अ मिनट। तो बॉर्डर डिमार्केशन ऑब्वियसली क्लियर नहीं है, और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसपे दोनों इंडिया की भी और चाइना की भी एक तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो उन दोनों की नजर है कि मुझे ये एरिया चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली फ्रेश वाटर की सप्लाई है, जियोथर्मल रिसोर्सेज अवेलेबल है। और चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है चाइना के जिनजियांग प्रोविंस को विद वेस्टर्न तिब्बत, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस की प्लेस है। साथ ही साथ एक तरीके से थ्रेड भी परसीव करता है हमारा जो इंडिया है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और क्लोजर टाइज है यूएस के साथ। अभी जो कुछ रिसेंट टाइम्स से हमारे टाइज बहुत क्लोज हो चुके हैं यूएस को, तो इस यूएस के साथ, तो इस वजह से चाइना इसको एक थ्रेट की तरह परसीव करता है। इसी वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते हैं हमारे जो बॉर्डर के हैं। साथ ही साथ पावर का इम्बैलेंस है, जैसे कि अभी चाइना ने क्या किया कि चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम स्टैब्लिश किया मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए, लेकिन उसने इंडियन ओशन रीजन में सारी कंट्रीज के साथ ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी मैकेनिज्म एक्सेप्ट फॉर इंडिया। अब आप ये समझिए कि इंडिया की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन रीजन में, और इंडिया को ही इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, तो एक तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसका क्या वे फॉरवर्ड है? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए रीजनल इनिशिएटिव्स की, और
म्यूचुअली डीमिलिटराइज करने की आवश्यकता है, आर्म्ड फोर्सेस को बैलेंस करने की आवश्यकता है, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, और मल्टीलैटरल एस्पिरेशंस है हर कंट्री का. ऑब्वियसली यही सपना होता है, यही एक एम होता है कि मेरी कंट्री का बेनिफिट हो. तो उसको ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया ताइवान रिलेशनशिप्स की. तो इंडिया को रिसेंटली न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी में प्रायोरिटी दी है ताइवान ने. तो ये जो न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी थी 2016 में ये स्टार्ट हो गई थी. तो एक तरीके से जो इकोनॉमिक असेट्स हैं, कल्चरल असेट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल असेट्स हैं, उनको एनहांस करने के लिए ताइवान की एक पॉलिसी है. ठीक है, अब इंडिया और ताइवान के रिलेशंस ऑल्दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ठीक है ताइवान के साथ भी हम लोग जो हमारे रिश्ते हैं वो उतना कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि चाइना फैक्टर है. ऑब्वियसली चाइना कंसिडर करता है ताइवान को अपने कंट्री का पार्ट, और इंडिया भी यही मानता है कि ठीक है वन चाइना पॉलिसी थी, तो ताइवान भी कंसिडर यही किया जाता है कि चाइना का पार्ट है. हालांकि 2010 के बाद से इंडिया ने यह कहना बंद कर दिया कि ठीक है वन चाइना तो हमारी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी थी, तो उसको कहना बंद कर दिया है. बट हाँ, ताइवान को अलग कंट्री या अलग नेशन नहीं कंसिडर किया जाता. साथ ही साथ इंडिया और ताइवान की जो रिलेशनशिप में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही है, लिमिटेड इकोनॉमिक एंगेजमेंट रही है और लेस कॉन्टैक्ट रहा है पीपल टू पीपल. तो इस वजह से इसका सोल्यूशन यही है कि ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ाया जाए. और एक तरीके से हम लोग जो है ताइवान हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो वहीं से आते हैं, और साथ ही साथ यूएस के भी ताइवान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें कुछ खास ऐसा जरूरी है नहीं, एक बार इसको रीड कर लेना जरूर, बिकॉज ताइवान से मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बनेगा. ज्यादा ज्यादा पूछेंगे तो चाइना से रिलेटेड पूछ लेंगे आपसे, या बांग्लादेश या नेपाल. नेक्स्ट आते हैं हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की ओर. तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में ऐसा है कि बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का साउथ एशिया में, और बिगेस्ट बेनिफिशियरी है हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट का. एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है, तो संप्रीति और मिलान जो है, इस तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती रहती है हमारे बीच में. ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर स्पेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मल्टीलैटरल कोऑपरेशन जैसे सार्क का पार्ट है दोनों कंट्रीज, बिम्स्टेक, देन इंडियन ओशन रीजन अलायंस का भी पार्ट है, बॉर्डर मैनेजमेंट, और साथ ही साथ गवर्नेंस एंड कल्चरल टाइज भी है. नाउ चैलेंजेस क्या है, तो तीस्ता और बराक रिवर जो है उसकी शेयरिंग ऑफ द वाटर को लेकर कुछ चैलेंजेस हैं. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो ये है कि पोरस बॉर्डर है तो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इन सब की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं वहां पर जो पॉपुलेशन का जो एक तरीके से बैलेंस है, या कह सकते हैं कि जो रेशियो है वो एक तरीके से डिसरप्ट हो रहा है, और कई सारे इश्यूज हो गए हैं, और CAA और NRC जो है ये भी इशू रहा है. तो वे फॉरवर्ड यही है कि क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन को मैनेज किया जाए, बॉर्डर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में प्रॉपर टॉक्स हों, then come up to a solution, encouraging people to people interaction and humanitarian common object in the voice distort or remember hello अब आ रही है वॉइस? हाँ मैम अभी क्लियर. ओके सो इस तरीके से हम लोगों को कोशिश करनी है कि हमारे और ज्यादा टाइज मजबूत हो सके. तो कुछ अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारी बांग्लादेश की पीएम उन्होंने विजिट किया था, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करी गई, वाटर शेयरिंग पे बात करी गई, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. तो ये ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया, इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. बस अगर पूछा जाए तो क्या इश्यूज हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं, तो वो हम लोगों ने 5-5 पॉइंट उन दोनों के तैयार कर लेने हैं. सिमिलरली इंडिया भूटान रिलेशंस ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है भूटान की, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भूटान जो है एक तरीके से हमारा बफर का काम कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना. दूसरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन भी है, और रीजनल इंटीग्रेशन भी है. कोऑपरेशन कहां कहां पर होता है, हाइड्रो पावर में कोऑपरेशन है, और सिक्योरिटी की अगर हम बात करी जाए तो जो हमारा इंडिया का BRO है, जिसने अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था उत्तराखंड में हमारे ब्रिजेस वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया है, तो सिमिलरली BRO ने प्रोजेक्ट दंतक के अंडर यहाँ पर जो है रोड्स डेवलप करी हैं, कई सारी रोड्स डेवलप करी हैं भूटान में. ठीक है, तो इस वजह से, और बुद्धिज्म हमारे कल्चरल टाइज भी है ऑब्वियसली भूटान के साथ. अच्छा, चैलेंजेस क्या है, चाइना की प्रेजेंस है. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो डोकलाम का इशू हुआ था, तो कई बार चाइना अपना उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो वो इशू है ऑब्वियसली. और मिलिटेंट्स भी कई बार हाइड कर जाते हैं भूटान में. हाइड्रो पावर ट्रेडिंग को लेकर के भी कुछ इश्यूज हैं कि क्या जो हमारा वाटर शेयरिंग हो रही है या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहां पर बन रहा है, तो उसकी जो परचेजिंग होगी या उसमें क्या शेयर रहेगा इंडिया और भूटान का. उसके अलावा जो बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है वो ऑन होल्ड है, भूटान ने उसको भी रोक रखा है, क्योंकि भूटान अपने एनवायरमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है.
ऐसी ट्रेड को लेकर के एक्सेस में भी कुछ इश्यूज हैं। वे फॉरवर्ड क्या है इसका कि ट्रायलॉग किया जाए, यानी चाइना, इंडिया और भूटान मिलकर के अपने जो प्रॉब्लम्स उनका सोल्यूशन निकालें। इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर बेस्ड ना होकर के थोड़ा बायोटेक, फिनटेक और आपका स्पेस टेक वगैरह की ओर भी इसको धीरे धीरे इनकरेज किया जाए और डाइवर्सिफाई किया जाए। पीपल टू पीपल टाइज की तरफ और ध्यान देते हुए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज किया जाए और साथ ही साथ कल्चरल पॉइंट्स, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं बिटवीन द कंट्रीज और रियल टाइम शेयरिंग सिक्योरिटी मेजर्स का भी ध्यान रखा जाए। और अभी जो भूटान के किंग है उन्होंने भी रिसेंटली विजिट किया था, तो उसमें ऐसा है कि कुछ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मंगदेछू, छुका, बसोछू, पुनाच संगछू, संकोच प्रोजेक्ट, तो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमारी बात हुई और सिक्योरिटी को लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई। नेक्स्ट बात करी जाए, और हाँ, कनेक्टिविटी की भी बात है कि जो आपका है कोकराझार असम में और गेलेपुर रेल लिंक, इसके बारे में भी, और इसमें एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस पर भी बात करी जा रही है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग इंडो नेपाल रिलेशंस, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली नेपाल के साथ उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है, ऑल्दो चाइना के साथ भी होता है, बट चाइना से ज्यादा अभी हमें नेपाल की तरफ ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज अभी रिसेंटली कालापानी इशू को लेकर के बहुत ज्यादा इसमें न्यूज में रहा है ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ऑब्वियसली नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि नेपाल में जाता है वो भी इंडिया से ही जाता है, और जो एक्सपोर्ट है इंडिया के वो नेपाल की ओर 8 times बढ़ चुके हैं पिछले 10 साल में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये अगर याद नहीं भी रहेंगे तो ये दिमाग में इतना रहना चाहिए कि हाँ, जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो तो इंप्रूव हुए हैं पिछले कुछ टाइम्स, पिछले 10 सालों में या पिछले डेकेड में काफी हद तक इंप्रूवमेंट रहा है। एरियाज क्या है कोऑपरेशन के, ऑब्वियसली डिफेंस है, नेपाल आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है जैसे सूर्य किरण है, वाटर रिसोर्सेज जैसे कोसी ट्रीटी है, महाकाली ट्रीटी है, एनर्जी को लेकर के है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन और कल्चर, कई सारे नेपाली स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में पढ़ते हैं, और कल्चर जैसे रोटी बेटी का नाता तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड में भी कई सारे जो है ये माना जाता है कि रोटी बेटी का नाता है तो रिलेशंस रहते हैं, शादी वगैरह हो जाती है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कोऑपरेशन तो है। अब चैलेंजेस क्या है, तो चाइना ऑब्वियसली, चाइना इज अ ग्रेट कंसर्न। दूसरा ऐसा है कि नेपाल का अग्रेसिव स्टांस है, जैसे कालापानी के बारे में बात करी जाए, कालापानी को नेपाल कंसिडर करता है कि ये मेरे टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया कंसिडर करता है मेरी टेरिटरी का पार्ट है। उसके अलावा नेपाल ने चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है, ठीक है, उसको भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको ज्वाइन कर लिया है, और बायलैटरल ट्रेड से नेपाल खुश नहीं है। नेपाल को ऐसा लगता है कि जो इंडिया है ना वो मेरे बड़े भाई की तरह एक्ट करता है, यानी मेरे कामों में इंटरफेयर करता है, जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अगर कुछ इशू हुआ था या मेरी कहीं पर भी, अगर नेपाल को ऐसा लगता है कि इंडिया एक बड़े भाई की तरह जबरदस्ती मेरे कामों में इंटरफेयर कर रहा है, तो इस वजह से डिस्ट्रस्ट की एक फीलिंग है। और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है लोगों का वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बनबसा में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ये इस तरीके के इश्यूज हैं बॉर्डर में, जो हमारा इजिली अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है उस पर इस तरीके के भी कुछ इश्यूज हैं। ओके, तो रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है कि ज्वाइंट कमीशन रेंज ऑफ एरियाज में डिस्कशन एंड कोऑपरेशन की बात हो रही है, असिस्टेंस दिया जाएगा आप लोगों को जो है, कोविड के टाइम पर इंडिया ने बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड किया, देन क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की बात है, और फाउंडेशन स्टोन बुद्धिस्ट विहार का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर के ले किया था, और सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है। रोड अहेड क्या है कि फोकसिंग ऑन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और मल्टीलैटरल फोरम्स में एक कॉमन इंटरेस्ट के तौर पर एक्ट किया जाए, बिहेव किया जाए, सस्टेन एंगेजमेंट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो वही बेसिक सी चीजें हैं, यही सब आप लोगों को अगर रोड अहेड पूछी जाए तो बेसिक सा यही कि कोऑपरेशन बढ़ाओ और उसको सिर्फ एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए कोऑपरेशन का जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीयर्स है उसमें इंक्रीज कर दिया जाए कोऑपरेशन, और कल्चरल टाइज की ओर ध्यान दिया जाए, तो इस तरीके की चीजें, ये सिंपल सा बेसिक सा सब में आप डाल सकते हो पॉइंट। नेक्स्ट है इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर रिलेशंस। अब इसमें क्या इश्यूज आते हैं, देखो एक तो माउंटेन टोपोग्राफी है, ऑब्वियसली जो इश्यूज उत्तराखंड में होंगे सेम इश्यूज नेपाल के एरिया में भी होंगे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज हैं, जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, कैलकुलेटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट कैलकुलेशंस, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नीडेड टू इंप्लीमेंट, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वॉइस आ रही है अब, वॉइस आ रही है, प्लीज बताइए। जी ठीक है, यस सर आ रही है। ओके ओके, तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी कोऑपरेशन कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान का इशू है, 1960 में वाटर ट्रीटी
साइन होगी और उससे क्या चुनौती अभी इंडिया और मैम वॉइस कट रही है, मैम वॉइस कट रही है, अब आ रही है वॉइस? यस मैम ठीक है अभी ओके। सो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो ईस्टर्न रिवर्स जो कि रावी ब्यास और सतलुज है वो तो इंडिया यूज करता है अनरिस्ट्रिक्टेडली, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो लार्जली एलोकेटेड है पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया को परमिशन है कि वो एग्रीकल्चरल यूज के लिए और रन ऑफ द रिवर टेक्निक का यूज करते हुए लिमिटेड स्टोरेज के साथ इनका यूज कर सकता है। और साथ ही साथ ये है कि परमानेंट इंडस कमीशन अपॉइंट किया गया है कोऑपरेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, और थ्री टीयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। इस पे क्या है कि यूनिलैटरल एग्जिट प्रोविजन नहीं है अनलेस जो कंट्रीज हैं वो रेटिफाई नहीं करती म्यूचुअली अग्रीड पैक्ट पे, ठीक है। इसमें यही इश्यूज हैं कि आपकी डिसेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली वाटर को लेकर के डिसेटिस्फेक्शन तो रहेगा ही पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि क्या है कि 80% जो वाटर है वो तो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और पाकिस्तान को फिर भी इशू है कि जितना थोड़ा बहुत हमारे पास है इंडिया में जितना वाटर है उसमें भी उसको इशू है कि ये क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डैम। ऑब्वियसली हम लोग अपने वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे बट पाकिस्तान को उसमें भी इशू हो जाता है। उसके अलावा क्या कि म्यूचुअल ट्रस्ट ऑब्वियसली नहीं है, मैम कोई अब आ रही है वॉइस? हाँ मैम अभी आ रही है। ओके सो यही है कि रीनेगोशिएट करना है ट्रीटी को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी पॉसिबल हो पाएगा जब टेररिज्म को पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तब तक डायलॉग होने की कोई ऐसी संभावना है नहीं, क्योंकि एक तरफ आप डायलॉग करना चाहें और दूसरी तरफ अगर आप यही कोशिश करें कि जो है हम लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकले तो वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले टेररिज्म को बंद करना है पाकिस्तान ने, तभी जाकर के डायलॉग हो पाएगा और तभी ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल पाएगा। नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो रिवर्स जो है ना हमारे लिए भले ही ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज हैं, कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज हैं, लेकिन जो हमारे रिवर्स हैं या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो ऐसी कोई बाउंड्री जानते नहीं है। तो अगर कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में किसी रिवर में फ्लड आ गया तो जितना भी अंडरलाइंग एरिया होगा, जितना भी डाउनहिल एरिया होगा, वो भले ही इंडिया का पार्ट हो, बांग्लादेश का पार्ट हो, इम्पैक्ट सभी जगह होना है। तो इस वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड्स रहते हैं कोसी में, तो उस वजह से पूरा इंडिया और नेपाल इम्पैक्ट होता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है हमारी रिवर्स के ऊपर, नॉट ओनली फॉर वाटर बट ऑल्सो फॉर अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक तरीके से लाइफलाइन कह सकते हैं रिवर्स को। तो इनका जो फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म है उसके इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी ज्यादा थर्ड से मर रहे हैं, इस वजह से हम लोगों को जो हाइड्रोजन और आप क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर हूँ। ओके सो इस तरीके से हम लोगों का जो ये फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें हमें कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉलिटिकल विल बी नीडेड है, एंड लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस इज व्हाट इज नीडेड, बिकॉज वी हैव टू प्लान एट अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के चलेंगे, अगर इस तरीके इश्यूज होंगे, देन इवेंचुअली मे बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज द एंटायर
एरिया इज स्वेप्ट ऑफ, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में देन नथिंग रिमेन्स. सो वी हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. और इसको ही ध्यान में रखते हुए रिवर वाटर शेयरिंग की, फॉर एग्जाम्पल इंडिया नेपाल में ट्रीटीज है कोसी और महाकाली रिवर्स की, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया चाइना के बीच में हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग है ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज रिवर्स, देन इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रीटीज फॉर गंगा तीस्ता ब्रह्मपुत्र बराक रिवर्स है, इंडिया भूटान के उसमें देयर इज अ जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन फ्लड मैनेजमेंट. ओके, सो वी नीड इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड वी नीड टू हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस and cooperation so that eventually all the countries they are benefited and are not at loss because of climate change. Okay, so this is it. Now let's start my voice clear nahi ओके. वॉइस आ रही है अब? यस मैम. ओके, सो डिस्कशन तो मैंने जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने थे आज के दिन वो हो गए हैं. अब थोड़ा बहुत ऐसा क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके. तो आई होप आप लोगों ने पूरा सेशन अटेंड किया हो एंड आप लोगों को समझ में आया होगा. वॉइस आ रही है ना? यस मैम, आ रही है. ओके ओके, तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फिर आज के. ओके मैम. ओके, सो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फिर. तो आप में से कौन है जो पहले आना चाहेंगे? आई वुड ask questions now. जो भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या आप लोग देख लीजिए अगर वॉलंटियर करना चाहें तो, नहीं तो जिसको भी आंसर आएगा वो अपना माइक ऑन करके बोल देना. ठीक है, आई थिंक दिस इज बेटर. यस मैम, दिस इज बेटर. ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दैट प्लीज लेट मी नो वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ भूटान फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव. वाई इज भूटान इंपॉर्टेंट और वट इज भूटान इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया? तो इसमें कोई भी अगर अपने प्लीज शेयर करिए अपने पॉइंट्स इसमें. मैम, भूटान हैज स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस विद साउथ एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ओके, एंड देयर इज इकोनॉमिक्स वन पॉइंट एज हैज द ह्यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यस, गुड. एंड मैम, वी ऑल्सो शेयर अदर कल्चरल टाइज विद देम बिकॉज़ वी ऑल्सो हैव अ सब्सेप्टिव amount of Buddhist population and Bhutan also has. Yes, yes, good. So Kamlesh ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया है. 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं. कोई और अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे या कमलेश अगर और कुछ आप ऐड करना चाहो. और भी कोई स्टूडेंट एस्पिरेंट अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे भूटान से इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया? Mem, it also, I mean, it can also help India to strengthen its position in South Asia because Bhutan is also a very important country as per our Act East or the Look East policy. Okay, yes, good. Anything else? कोई और अगर add करना चाहे इसमें? Yes, ma'am, I want to add. मैम, यस यस प्लीज. मैम, भूटान्स पोजीशन मैम, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज लोकेटेड बिटवीन ट्राई जंक्शन बिटवीन इन सिक्किम इन चाइना एंड देर इज अ प्लेस नोन एज डोकलाम इन विच इंडिया एंड चाइना हैज कंटेंशंस प्रीवियसली एंड वी हैव अ स्मॉल नैरो कॉरिडोर बिटवीन ईस्ट एंड आर Indian mainland, which is known as Chicken Neck. Yes. And that is very strategic. That is very strategically important to us. If China takes the advantage and claims the peaks of Bhutan or it
इकोनॉमिकली और एनी वे इंफ्रास्ट्रक्चरली इट टेक एडवांटेज इन भूटान देन वी विल हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इट ओके राइट एंड अदर थिंग्स आर दैट वी हैव कल्चरल टाइज एंड ड्यू टू द Tibet region, the Tibet region, the Buddhist population, major population there, Bhutan, in Bhutan is Buddhist population, and Buddhist population sees India as its big brother. Okay, okay. And it would be good for us for countering China. Okay. Right. That's good. All. ओके सो लोकेश ने भी अपने इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं और भी कोई अगर ऐड करना चाहे नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढूं आई वांट टू ऐड वन मोर ओके अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज तवांग इन हिमाचल प्रदेश दैट इंडिया हैज पॉलिसी ऑफ डिफेंडिंग इट एट एनी कॉस्ट बिकॉज़ इट इज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देयर एंड चाइना एंड इट इज अ डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना सो इफ इंडिया प्रेजेंट इन भूटान देन सी प्रोटेक्ट तवांग इज वेरी इंपॉर्टेंट तो देखो इसमें मेरा सजेशन तो यही रहेगा इस क्वेश्चन में कि भूटान इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया है तो आप देखो उतना हम लोगों को इतना टाइम मिलेगा नहीं इंटरव्यू में तो मेन कॉन्क्रीट 5 पॉइंट्स एटलीस्ट हमारे पास तैयार होने चाहिए ताकि हम उसको अगर हमसे एग्जामिनर पूछे ऑब्वियसली हम जो भी वहां पर पॉइंट रखेंगे उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बट एटलीस्ट 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स हम लोगों को किसी भी आंसर को देते समय 5 कॉन्क्रीट पॉइंट्स हमारे पास अगर होंगे उसमें से वहां पर 3 भी बोल पाओ ना दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट तो व्हाट इज बॉर्डर टूरिज्म इस पे और अगर कोई एस्पिरेंट बोलना चाहे जैसे कमलेश और लोकेश ने तो काफी अपने पॉइंट्स दिए और भी लोग अगर पार्टिसिपेट करें तो इट विल बी गुड क्योंकि देखो आप लोगों के बेनिफिट के लिए है अगर आप बोलोगे यहाँ पर तभी आप इंटरव्यू में वहां पर अच्छी तरीके से बोल पाओगे तो अभी डिस्कस किया था इसमें बहुत अच्छा हम लोगों ने तो बॉर्डर टूरिज्म के बारे में कुछ बताइए कोई भी और एस्पिरेंट अगर बोलना चाहे यस मैम मैं बोलना चाहता हूँ ओके ओके बोलिए यस मैम जैसे टूरिज्म में मैम हरसिल में नीलांग जादुंग वैली है जिसमें इनर लाइन परमिट लगता है तो वहाँ के जो लोकल्स हैं मैम वो अब बगोरी हरसिल में उनको माइग्रेट किया गया है तो वो भी काफी इंटरेस्टेड है मैम वापस अपने नीलांग जादुंग गाँव में जाने को तो जब वो वहाँ बसावट होगी मैम तो उसके वजह से जो है टूरिज्म और होम स्टेज और इससे टूरिस्ट जो है मैम अट्रैक्ट होंगे उस तरफ जी ओके यस मैम मैं अभी ओके 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 सो बेसिकली बॉर्डर टूरिज्म में ऐसा है कि हम लोग अब जब तक सेटलमेंट नहीं होता तब तक वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करी जा रही है ताकि धीरे धीरे लोगों का वहां रुझान बढ़े जैसे आपने बताया मोहित जी ने जैसे भी बताया तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया वेरी गुड एंड और कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे यस मैम आई वांट टू ऐड इट ऐड समथिंग इन इट ओके मैम टू हेल्प दिस बॉर्डर टूरिज्म आर सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिंग विद अ न्यू स्कीम व्हिच इज आल्सो इनिशिएटेड इन उत्तराखंड एंड अदर बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया दिस स्कीम इज द वाइब्रेंट विलेज स्कीम ओके in which the all the infrastructural and other needs of the villages will be addressed like the phone connectivity infrastructure 5G connectivity and villages will be villages will be made in such a way that people of the village not suffer that lot they would not go to the other places such as for jobs and other things so they will be provided the employment in the villages itself okay 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 so aap kehna cha rahe ho ki migration ko bhi deal karne mein kafi help karega hamari right right aur kuch agar aap kehna chaho aur koi aspirant bhi agar kuch kehna chahe लोकेश ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया वाइब्रेंट विलेजेस वाली जो स्कीम है तो इस तरीके से यही है कि जो बॉर्डर एरियाज के विलेजेस हैं उसमें इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है ताकि माइग्रेशन को भी डील करा जा सके और साथ ही साथ लोगों को वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के एरिया में मिल पाए जिससे माइग्रेशन के साथ साथ हमारा जो इश्यू है हमारे
एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का उसको भी डील किया जा सके. सो वेरी गुड पॉइंट बाय लोकेश. सो एनीवन एल्स जो आप कुछ शेयर करना चाहें? मैम यस मैम बॉर्डर पॉपुलेशन इज नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ एनी कंट्री. So, yes. It is very important to inhabit people there, because as in case of Uttarakhand, they due to this China after Sino-Indian, we have seen that so many villages across the border have evacuated, and there are many more ghost villages. So border tourism is an effort to rehabilitate these people there. Okay. Yes. जैसे इंडिया बांग्लादेश इंडिया नेपाल इंडिया पाकिस्तान जो इंडस वाटर ट्रीटी का कॉन्सेप्ट था इंडो चाइना एंड इंडो ताइवान तो इनके रिलेशन को एक बार और गो थ्रू कर लेना मेन्स 365 के थ्रू उसमें क्या क्या इश्यूज हैं वहां से आप लोगों को अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए इंटरव्यू में इस तरीके का तो वहां के पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो. ओके उसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम बात करें जो कि करंट अफेयर्स में हमारे काफी इंपॉर्टेंट रहा था जनवरी के करंट अफेयर्स आज हमने कवर कर लिए हैं जनवरी 2023 तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो एक तो यही था कि आपका जो है टैबलू जो था हमारा तो रिपब्लिक डे की परेड में हम लोग फर्स्ट आए उसमें क्या क्या उसमें रिपीट किया गया था उसको एक बार ध्यान रख लेना. साथ ही साथ जो जोशीमठ की जो आपदा हुई थी उससे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उसको उनको कहाँ बसाया जा रहा है या जोशीमठ में जो आपदा आई थी उस वजह से क्या आगे गवर्नमेंट कर रही है प्रोएक्टिवली. तो और भी जितने भी हमारे हिली एरियाज हैं उनको अच्छी तरीके से एनालाइज किया जा रहा है सर्वे किया जा रहा है कि अगर कहीं पर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिसरप्ट हो रही है या ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड हो चुका है तो वहां पर आगे फर्दर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनको इवेंचुअली बैन कर दिया जाएगा. उसके अलावा बॉर्डर टूरिज्म की हम लोगों ने इसमें बात करी और हम लोगों ने प्रोजेक्ट हिराक के बारे में बात करी प्रोजेक्ट दंतक के बारे में बात करी. एक बार और आप गो थ्रू कर लेना अगर आप लोगों को ये ध्यान नहीं आ रहा है तो एक बार वो जो डॉक्यूमेंट्स उनको डेफिनेटली देख लेना. उसके अलावा उड़ान स्कीम में नए रूट्स एस्टैब्लिश हुए तो उड़ान स्कीम के बारे में क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या वो बेनिफिशियल रहेगा क्या गवर्नमेंट को उड़ान स्कीम के नए नए और ज्यादा रूट्स खोलने चाहिए या जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं या जो ऑलरेडी रूट्स हैं वहां पर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या लोगों को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो उसका यूज कर पाए. उसके अलावा समर्थ पोर्टल का यूज हो रहा है और नेट हाउसेस को इनकरेज किया जा रहा है ताकि हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बेटर ग्रोथ कर पाए प्लांट्स की. उसके अलावा जो रिजर्वेशन की तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट रही नहीं बात लेकिन हाँ ठीक है 30% वुमेन रिजर्वेशन भी एक चीज थी ध्यान में रखने के लायक और 4% रिजर्वेशन टू द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जिन्होंने ऑलरेडी मेडल्स विन करे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब में 5400 की ग्रेड पे में उनको जॉब दी जाएगी. उसके अलावा हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट हमारा इंडिया और चाइना का तो ये अभी काफी न्यूज में रहा है तो इसको एक बार देख लेना और इंडिया नेपाल रिलेशनशिप को एक बार देख लेना. तो ये आज के हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस करे तो होपफुली आज का जो ये सेशन था आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा. कल भी हम लोग आगे के टॉपिक्स जो है मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए उनको डिस्कस कर लेंगे. अगर आप में से किसी को कुछ चीज शेयर करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम. अदरवाइज लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे. एनीबॉडी वॉन्ट्स टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द सेशन कि किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है या ठीक है सेशन कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं. अदरवाइज वील एंड द सेशन फॉर टूडे. थैंक यू मैम बहुत अच्छा सेशन था. ओके यू आर वेलकम. थैंक यू मैम काफी अच्छा सेशन था. यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. तो कल भी ज्वाइन करिएगा फिर कल का आगे कंटिन्यू करते हैं. कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो पाए. जैसे आप आज जनवरी का हो गया कल फरवरी कवर करते हैं उत्तराखंड का बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे. तो लेट्स एंड द सेशन देन. अगर किसी और को कुछ चीज शेयर नहीं करनी है तो यस मैम. ओके ओके फाइन एवरीवन बाय बाय टेक केयर. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.